गाइज प्रेमानंद जी का आश्रम ये हवाईदर गली में, ये परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ता है। गाइज परिक्रमा करते करते हो गई भाई जोरों की बारिश, इसलिए हम भी रुक गए थे रास्ते में। गाइज हमें एक और आश्रम मिला भाई रास्ते में, श्री जी धाम हरिवल्लभ शरण जी महाराज का। गाइज रास्ते में ये काली दे मंदिर का रास्ता जाता भाई इधर, ये देखो भाई मंदिर कौन सा मंदिर, आगे चल के देखते हैं। और ये रास्ता भाई ऐसा रोड है, परिक्रमा मार्ग पे ही इधर निधिवन का रास्ता जाता है। और हम चलते आगे, निधिवन की आपको अलग से वीडियो दूंगा मैं, अभी तो हम परिक्रमा। आज रास्ते में ऐसे आपको सांप वगैरह क्या खेल दिखाते भी मिल जाएंगे लोग आपको, ये देखो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और गाइज कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ गाइज सभी अच्छे होंगे। गाइज मथुरा वृंदावन दर्शन सीरीज की अगली वीडियो में आज हम करने स्टार्ट कर रहे हैं भाई परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा जो कि लगभग 11 किलोमीटर की होती है। तो भाई इसको अभी सुबह सुबह 9 बजे का टाइम है, अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से ये स्टार्ट होती है, मेन पॉइंट होता है इसका भाई, यहाँ से लगभग लोग स्टार्ट करते हैं। तो रास्ते में बहुत सारे मंदिर भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पूरा रास्ता वगैरह दिखाएंगे आपको। लेकिन जो जो मंदिर मिलेंगे उनकी अलग से वीडियो बनाऊँगा, अलग से वीडियो देखना सारी। तो भाई अभी यहाँ से निकल रहे हैं, तो आपको सारे मंदिर, प्रेमानंद जी का आश्रम, जिस भी मेन संत के आश्रम होते हैं उनके सभी आश्रम वगैरह आपको सारे वीडियो में दिखाते हुए चलेंगे, और अलग से वीडियो बनाएंगे सारे मंदिर की। तो भाई वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलो आपको लेके चलते हैं भाई यहाँ से। एक बारी कमेंट में जय श्री कृष्ण जय राधे राधे बोल दो। और ये वो पॉइंट है भाई जहाँ से हम अपनी परिक्रमा इस साइड से स्टार्ट करेंगे क्लॉक वाइज। तो भाई चलो चल गाइज, प्रेमानंद जी का आश्रम ये है भाई इधर गली में, ये परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ता है, संत निवास श्री राधा केली कुंज वराघाट परिक्रमा मार्ग, इधर ये रास्ते में पड़ेगा आपका। तो भाई चलो चलते हैं भाई, आपको दिखा दिया भाई रास्ते में प्रेमानंद जी का आश्रम, यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट कर रहते हैं, वहाँ से कुल 700-800 मीटर दूरी होगा। तो ये रास्ते में आपको फेमस फेमस मंदिर वगैरह दिखाते हैं चलेंगे। कई रास्ते में हमें मिली है भाई इस्कॉन वालों की जो गौशाला और मिनी मार्केट, ये रास्ते में पड़ता है भाई। गर्मी भी है, धूप भी है और नंगे पैर हैं भाई, तो कंकड़ वगैरह भी चल रहे हैं थोड़े थोड़े, पर ठीक है जैसा भी है। गाइज हमें एक और आश्रम मिला भाई रास्ते में, श्री जी धाम हरिवल्लभ शरण जी महाराज का। यहाँ पे आपको रूम वगैरह भी मिल जाएंगे भाई, और आप विजिट करके देख सकते हैं भाई। गाइज रास्ते में ये काली दे मंदिर का रास्ता जाता भाई इधर, और 300 मीटर आगे से निधिवन का रास्ता जाता है, हरिकुंज चौराहे का रास्ता जाता है। तो भाई चलो आगे चलते भाई। गाइज परिक्रमा करते हुए मिला भाई रास्ते में कालिया नाग का मंदिर, जो कि 5500 वर्ष पुराना है, सिद्ध प्राचीन केली कच्छवन वृक्ष कालिया घाट पे जो कि पड़ता ही है भाई, कालिया नाग का मंदिर जहाँ पे कालिया नाग का वध किया था श्री कृष्ण जी ने। बाहर से देख लो भाई, अब चलते हैं आगे परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। दोबारा पुराना लग रहा है, ये देखो भाई मंदिर कौन सा मंदिर, आगे चल के देखते हैं। और ये रास्ता भाई ऐसा रोड है परिक्रमा मार्ग पे, कहीं कहीं आपको ऐसी मिट्टी का साइड में मिल जाएगा। इस मंदिर को देखते हैं कौन सा मंदिर है। गाइस जिस नंबर मंदिर का नाम भाई मदन मोहन मंदिर, प्रोटेक्टेड मोनूमेंट, संरक्षित स्मारक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर। देखो इधर बहुत ही पुराना मंदिर लग रहा है भाई, ऊंचा भी है बहुत, पहाड़ी टाइप पे बनाया गया है। ये देखो आता जाता है उसकी साइड, देखो इधर जा रहा है भाई बाकी भी भाई, जुगल घाट का रास्ता, एंट्री गेट यहीं से है। गाइज भाई यमुना घाट के किनारे आ गए, वैसे तो हम साथ साथ चल रहे हैं रोड साथ साथ में, लेकिन यहाँ से आप अपना बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं और नहा वगैरह भी सकते हैं भाई।
चलते जा रहे भाई, आगे आएगा भाई निधि वन। निधि वन वाले रास्ते पे हैं अभी हम। वाह होगा, 2 से 3 किलोमीटर की परिक्रमा अभी बस कंप्लीट हुई है। चल रहे भाई आराम आराम से, क्योंकि कहीं रास्ता कैसा है कहीं रास्ता कैसा है। बहुत सारे लोग भाई जो रिक्शा में भी करते हैं परिक्रमा, कोई चप्पल पहरे करता, कोई जूते पहरे करता, कोई नंगे पैर करता है, सबका अपना अलग अलग है भाई। अभी अभी कोई एक ही मंदिर आया है, माँ प्रभु जी की बैठक इस मंदिर का नाम है, सिद्धपीठ। गाइस आपको रास्ते में ऐसे कला करते हुए बच्चे लोग मिल जाएंगे। आगे देखते भाई कौन सा मंदिर आ गया। अब श्रृंगार घाट पे पहुंच चुके हैं। परिक्रमा मार्ग पे ही इधर निधिवन का रास्ता जाता है और हम चलते आगे। निधिवन की आपको अलग से वीडियो दूंगा मैं, अभी तो हम परिक्रमा कर लेते हैं भाई एक बारी। गाइस परिक्रमा करते करते हो गई भाई जोरों की बारिश, इसलिए हम भी रुक गए थे रास्ते में। वहाँ पे चाय पी ली, बिस्कुट खा लिया, अब दोबारा निकल पड़े हैं। बारिश भी हो गई है कम, एक टाइम पे तो भाई बहुत तेज़ बारिश आई, अब कम हो गई है, थोड़ी हल्की हल्की फवारे चल रही हैं, तो भाई अब दोबारा निकल लिए हैं। अभी आधी हुई है हमारी, आधी रहती है आधी हो गई भाई, आधी रह गई, इसको भी करते कंप्लीट और दिखाते आपको बाकी का रास्ता। गाइस चलते चलते अब पहुँच गए श्री बाबा नीब करोरी आश्रम। आर्यन थक गया भाई, और ये इधर बोर्ड भाई थक तो मैं भी गया हूँ भाई, पैर देखो कैसे हो गए हैं, पर आर्यन ज़्यादा थक गया इसलिए मैं वेट कर लेते हुए नीब करोली आश्रम के सामने। अभी लगभग 2.5 किलोमीटर रहता है, अभी लगभग 2.5 किलोमीटर रहता है भाई, तो बस हो जाएगा पूरा। अरे इनको मैं यही समझा रहा हूँ भाई, कोई नहीं कुछ नहीं होता तो भाई चलते हैं भाई। आज रास्ते में ऐसे आपको सांप वगैरह क्या खेल दिखाते भी मिल जाएंगे लोग आपको, ये देखो दो सांप ले रखे इसने और परिक्रमा मार्ग पे ही रुके हुए हम बैठे हुए थे तो यहाँ पे ये खेल दिखा रहा है। गाइस अभी पहुँचे भाई एक खूबसूरत मंदिर के पास, जो कि है कृष्ण कृपया धाम। कितना प्यारा सुंदर भव्य मंदिर है भाई, ये देखो रास्ते में ही है, बस परिक्रमा रह गई भाई हमारी लगभग 0.5 किलोमीटर की। चलो भाई करते हैं उसको भी कंप्लीट। ए राधे राधे, परिक्रमा फाइनली होगी भाई कंप्लीट। लगभग 4 घंटे लगे हैं, इसी पॉइंट से जो है स्टार्ट की थी और भाई यहीं पे पहुंच चुके हैं। मैं तो पहुंच गया हूँ भाई, आर्यन रहता भी आना पीछे है वो थोड़ा भाई, पैदल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रोड़ी वगैरह चुभती है, कहीं गर्मी भी है, अंदर से भाप निकलती है रोड में से भाई, और कहीं मिट्टी है साइड साइड में, पर उसमें भी कंकड़ है, इस जैसे दर्द पैर वगैरह होता भाई। आर्यन वो आया, आर्यन कंप्लीट हो गई भाई। भाई फाइनली कंप्लीट हुई, उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो पूरी परिक्रमा की अच्छी लगी होगी। तो भाई कुछ लोग रिक्शा भी करते हैं, कुछ लोग जूते चप्पल पहने करते हैं, कुछ पैदल करते हैं, कुछ भाई दंडवत भी करते हैं लेट के भी, भाई सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। मेरे को जितना याद है भाई बचपन में आया था घर वालों के साथ, उस टाइम याद नहीं है भाई परिक्रमा की थी या नहीं की, लेकिन अब मैंने तो जितना मेरे को मतलब अपने उसमें याद आता है, वह पहली परिक्रमा थी मेरी, टफ थी थोड़ी क्योंकि नंगे पैर है भाई, रोड़ी वगैरह रोड ऐसा ही है, मतलब ऐसा रोड फूट फूट के ये रोड़ियाँ निकली हुई हैं भाई, तो चुभती है वो थोड़ी,
और दर्द होता बहुत ज़्यादा, पैर ऐसे नीचे चुप 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 कर रहे हैं। तो भाई जैसा भी इधर ठीक था, राधे राधे की और श्री कृष्ण जी की कृपा से भाई परिक्रमा हो गई कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। रास्ते मैंने मंदिर भी दिखाया, आश्रम वगैरह भी दिखाया, जो जो इंपॉर्टेंट थे। तो भाई मथुरा वृंदावन श्री दर्शन सीरीज की इस वीडियो को तो यहीं पर एंड करते, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में जय राधे राधे लिख दो।